अंबाला में 6 साल के बच्चे का अपहरण का मामला सामने आया है। लंगड़े भिखारी के वेश में एक गूंगा आदमी मोती नगर में घर में खेल रहे बच्चे का अपहरण कर ले जा रहा था। बच्चे ने शोर मचाया तो उसके पिता ने आकर आरोपी को दबोच लिया। हल्ला मचते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ लग गई और लोगों ने आरोपी की जमकर धुनाई कर डाली और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पब्लिक की मार और पुलिस की सख्ती के आगे गूंगे आदमी के मुंह में जुबान आ गई। उसने बोलना भी शुरू कर दिया। ऐसे बच्चे देख के फिर वो वापस आ गया। वापस आने के बाद उसने बच्चे का हाथ पकड़ लिया सीढ़ियों के पास आके। फिर ये दौड़े गए कि मेरे पीछे पीछे मैं भी दौड़ी गई कि कुछ हो गया बाहर। तो देखा कि बच्चे का हाथ पकड़ के फिर धक्का मार के हम दोनों को दौड़ गया। फिर आगे गली में बढ़ गया। फिर इसके पापा गए पीछे पीछे गली में से। अंधेरा था गली में खूब। तो वहाँ जाके देखा इन्होंने मारा, मार मार के बाहर निकाल के लेके आए। फिर यहाँ मारा फिर ये ठीक हो गया, बिल्कुल ही सही हो गया, बोलने भी लग गया। वो लंगड़ा था तो तेज तेज भागा। अपहरण की इस घटना से एक और जहां बच्चों के माता पिता के मन में खौफ है तो वहीं बच्चों की सुरक्षा पुलिस प्रशासन के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। उन्होंने सूचना दी कि भी बच्चा जो खेल रहा था कोई एक यंग लड़का है, उसको वो जो है ना बका फुसला करके कहीं ले जाने का प्रयास किया उसने, और इस आधार पर उन्होंने जो कंप्लेंट दी थी हमने उसमें जो है केस दर्ज कर दिया था। इसके बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी उससे पूछताछ भी जारी है, उसको हमने अरेस्ट कर लिया, पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद जो सच्चाई सामने आएगी उस आधार पर कार्रवाई करेगी। बच्चों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। देश भर में आए दिन किसी न किसी इलाके में बच्चों के अपहरण की घटनाएं होती रहती है। अपराधियों में जब तक पुलिस का खौफ नहीं होगा, एक सुरक्षित समाज की अपेक्षा करना बेमानी है। R9 TV के लिए अंबाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट।